हेलो दोस्तों, नमस्कार। हैप्पी यात्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस समय हम लोग आगरा में हैं और ताजमहल देखने जा रहे हैं। यहाँ से एंट्री कर गए हैं। हमारे साथ है रजनी कौशल और रमाकांत। चले गए हैं, गाड़ी को सर्विस करवाना था तो वहाँ सर्विसिंग के लिए गए हैं। अभी वो भी आ जाएंगे। तभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं। मास्क लगाना ज़रूरी है, माहौल ऐसा ही है तो मास्क लगाना ही पड़ेगा। तो आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे गेट है और इसके बारे में डिटेल बताएंगे आगे चल करके वीडियो में। इसी तरह से बने रहें तो किस तरह से यहाँ आए और टिकट कैसे लें, क्या करें और किन किन बातों का सावधानी रखें, सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो में इसी तरह से बने रहें और इन्जॉय करें पूरा यहाँ का दृश्य। बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर निकासी की गई है। दोस्तों, हम लोग यहाँ इस गेट से एंट्री किए हैं और इस गेट से इतना दूर आ गए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से एक काफ़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। आगे चल करके देखते हैं क्या है। वहाँ पर भी एक काफ़ी बड़ा गेट बना हुआ है। इस गेट के उस पार जाएंगे हम लोग, वहाँ पे शायद ताजमहल है। यहाँ मुख्य गेट है और इससे हम लोग एंट्री कर रहे हैं और यहाँ बन रहा है इनका ब्लॉग। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा? नहीं सब बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे। सामने ताजमहल दिखाई दे रहा है बट कैमरे में नहीं आ रहा है, बस कैमरे में आने ही वाला है। ये रहा, वाओ। तो हम लोग यहाँ गेट के अंदर आ गए हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। ऐसा कह सकते हैं खूबसूरती का यहाँ भंडार है। क्यों? बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है और यहाँ का मौसम भी इत्तफाक कहा जाए बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है मौसम। बहुत अधिक धूप भी नहीं है, कोहरा भी नहीं है, बहुत अच्छा मौसम हुआ है। तो पीछे इस गेट से हम लोग एंट्री किए हैं और यहाँ पे है ताजमहल, हमारा आप सबका ताजमहल सामने। तो हम लोग ताजमहल के करीब चल रहे हैं, वहाँ नज़दीक से देखते हैं। और इस साइड पे इस तरह से फव्वारे बनाए गए हैं और यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे भी हैं। हम लोग ताजमहल के बहुत ही करीब आ गए हैं। यहाँ पे भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं देखने के लिए और यहाँ पे देश विदेश से भी लोग आते हैं। चला ठीक है, बैग ना आपको आ जाओ रानी। अरे क्या हुआ? नहीं निकला थे, कुछ खाया ना लाली पास्ता। तो हम लोग ताजमहल के एकदम करीब आ गए हैं और यहाँ पे आने का टिकट है 45 रुपया और यही टिकट यदि आप कहीं दुकान से लेते हैं तो आपको 60 रुपये पड़ेगा। तो हम लोग ऑनलाइन टिकट लिए थे तो इसलिए 45 रुपया पड़ा। 45 रुपये में यहाँ जितना भी पार्क बना हुआ है नीचे के साइड में घूम सकते हैं और ऊपर घूमने के लिए 250 रुपये था ना। हाँ, 250। ऊपर यदि जाना है मकबरे के पास जाना है तो वहाँ का 250 रुपये चार्ज है। और यहाँ पे जैसे ही हम लोग इंटर करेंगे तो कोई ना कोई मिल जाएगा यहाँ पे घुमाने के लिए, लोग 100 रुपये लेते हैं। तो फिलहाल हमें नहीं लगता है कि किसी गार्ड की ज़रूरत है, आप घूम सकते हैं यहाँ पे, टहल सकते हैं यहाँ पे। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 100 रुपये किसी गार्ड को दें। तो बट बाहर आपको बहुत ही रिक्वेस्ट करेंगे लोग कि आपको ऐसा दिखाएँगे वैसा दिखाएँगे, बट यहाँ पर आप घूम सकते हैं, देख सकते हैं बहुत ही आराम से। तो वीडियो में इसी तरह से बने रहें। अभी आगे हम लोग चलते हैं, उस साइड में एक गेट बना हुआ है, उधर भी दिखाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं बहुत ही करीब से ताजमहल। हेलो दोस्तों, आज हम लोग ताजमहल घूमने आए हैं जो पहली बार ज़िंदगी में आया हम दोनों और कभी घूमे नहीं थे। और ये चीज़ संभव हो पाया है हैप्पी यात्रा की टीम और जेएफ म्यूजिक वर्ल्ड
की वजह से आज हम घूमने आए हैं, उनकी टीम हमें टूर घुमाने लाई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा हैप्पी यात्रा टीम को और जेएफ म्यूजिक वर्ल्ड को। लव यू गाइस, बहुत ही प्यारा है ताजमहल, जितना फोटो में दिखता है उससे कई ज़्यादा खूबसूरत है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो में बने रहिए और आप सबको आगे दिखाते बहुत ही रोमांचक रोमांचक चीज़ जो क्या बोली क्या ये सब संभव हो पाया है। आप लोगों ने हम लोग को इतना प्यार दिया कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे, भैया के पास पहुँचे, भैया हम लोग को यहाँ पर घुमाने लाए सिर्फ आप लोग की वजह से। इसीलिए कहते हैं मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए हैप्पी यात्रा को। तो दोस्तों और म्यूजिक वर्ल्ड अब नए नए जुड़े हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही एक बहुत ही रोमांचक रोमांचक यात्रा आप सबके पास पहुंचाते रहेंगे, तो लगे रहिए। तो दोस्तों हम लोगों का करीब 10 दिन का टूर है, 10 दिन की यात्रा में बहुत कुछ देखने वाले हैं। अभी हम लोग शूटिंग भी करने वाले हैं अच्छे अच्छे जगह पे जा कर के, अच्छे लोकेशन पे। तो हालांकि यहाँ भी शूटिंग करने का प्लानिंग था बट यहाँ पे प्रोफेशनल कैमरा नहीं ला सकते, ड्रोन वगैरह नहीं उड़ा सकते हैं कोरोना की वजह से। पहले था ऐसा संभव बट अब दिक्कत हो गई है कोरोना की वजह से। मास्क भी लगाना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। सावधानी के साथ यहाँ पे घूमिए, इंजॉय करिए, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। दोस्तों यहाँ आके हम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है और जो भी गम था थोड़ा सा कम हो गया, नहीं तो बहुत ढेर सारा गम था। ये भी रोते रोते आई थी और यहाँ के कुछ दिल को शांति मिला, संतुष्टि मिला, बहुत ही प्यारा है नज़ारा देख के चार चांद हो गए। यहाँ पे सामने एक म्यूजियम है बट यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, अंदर कैमरा नहीं चला सकते। बट अंदर जा रहे हैं हम लोग देखने, देख करके आते हैं, बताते हैं क्या है इसके अंदर। तो दोस्तों हम लोग यहाँ अंदर से आ गए हैं बाहर और इसके अंदर कुछ खास नहीं है, जैसे कि मुमताज का मोहर है, कैसे बनता था, कुछ अलग अलग भाषाओं का उसमें उल्लेख किया गया है, उर्दू है ऐसे करके, समझ में नहीं आया कुछ। और कुछ चित्र बनाया गया है स्क्रेच टाइप का, जैसे पेंसिल से बनाया हो, और कुछ पेंटिंग है छोटे छोटे, इतने बड़े बड़े 4x6 के साइज के, और 4x6 पुरानी तलवार हैं इसके अंदर, और कुछ बर्तन हैं। और इस ताजमहल में कौन कौन से पत्थर यूज हुए हैं, छोटे छोटे टुकड़े रखे गए हैं, बस इसी तरह से नॉर्मल है और इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री में जा कर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर घूमने आइए तो इसको छोड़ना ही क्यों है, इसको ज़रूर देखना है। तो यहाँ से निकल रहे हैं, चलते हैं हम लोग आगे, चलिए चलना है। हेलो हेलो हेलो, देखिए चिटको आ रही है, चिटको गिलहरी यहाँ पे। दोस्तों बहुत सारी गिलहरी हैं, बहुत सारी गिलहरी हैं। दोस्तों हम गिलहरी दिखाते हैं करीब से, ले आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा। कुछ खाने के लिए हाथ में होते तभी सारी गिलहरी इकट्ठा हो जाती, बट कुछ है नहीं इसलिए सब दूर भाग रही हैं। ये सुना हो, ये ताज महल बनवा दे राजा गोरखपुर में। आजकल के ताजमहल हमारे देश में शौचालय बनवाए पति पत्नी के लिए, वही सबसे बड़ा ताजमहल है। क्या बात है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। गोरखपुर में बनाए हम रोज देखे गिलहरी। यहाँ पे सामने यहाँ पे कुआं बनाया गया है और इसको इस तरह से घेरा गया है, कुएं को ऊपर से इस तरह से दिख रहा है बट अंदर गोल आकार का है, कुछ इस तरह से देख सकते हैं। तो पूरा आप लोग कुआं देख सकते हैं इस तरह से बना हुआ है, बड़ी गहरा बात है। और सामने है ताजमहल, ऐसे ऐसे बल्टिया ऊपर आई, दोस्तों यहाँ का मेन गेट के पास हम लोग पहुँच गए हैं। अब यहाँ से हम लोग बाहर की तरफ निकलेंगे,
एक बार फिर से आप लोगों को दिखा दें, यहाँ पे मेन गेट है और इस साइड है ताजमहल। चलिए चलते रहिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, आप मोबाइल से भी खींच सकते हैं और यहाँ पे फोटो खींचने के लिए लोग हैं भी। दोस्तों यहाँ जो मेन गेट था, मेन गेट से हम लोग आ गए हैं बाहर। इस साइड क्या है, इससे बाहर जाना है? नहीं, हम लोग आए थे उस साइड से। अच्छा, यहाँ से बाहर निकलने के लिए, जैसे जो मैप में दिखा रहा था, मैप में दिखा रहा ना दो दरवाजा, तो एक ही दरवाजा, एक ही दरवाजा, लेकिन हम लोग उसी से चलते हुए अच्छा लग रहा था जहाँ से। हाँ, तो दोस्तों हम लोग बाहर की तरफ निकल रहे हैं और एक बार चारों तरफ से देख लीजिए, यहाँ पे चारों तरफ कुछ इस तरह से शानदार दृश्य, बहुत ही खूबसूरत। एक बार यहाँ पे आप लोग जरूर विजिट करिए, आप लोग यहाँ पे घूमे नहीं हैं, टहले नहीं हैं, तो एक बार जरूर यहाँ पे आइए। और यहाँ पे देखिए लाल पत्थर से बनाया गया चारों तरफ की बाउंड्री और सफ़ेद पत्थर से बनाया गया है, संगमरमर से बनाया गया है यहाँ का ताजमहल। इसके बारे में तो लगभग हर कोई पढ़ा ही होगा किताबों में, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे घूम करके बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा। क्या हुआ? अच्छा। क्या हुआ? अंदर में ताजमहल मने नीक लगत रहले, बाहर चली आई तो सोती कब चल जाए। चलिए तब निकलिए, चला जाए। चलो गाड़ी हम लोगों की सर्विस हो गई है, अभी कॉल आया इसलिए हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो अभी हम लोगों को हो सकता है ऑटो से जाना पड़े, तो देखते हैं अभी लोकेशन, बाहर निकलने के बाद लोकेशन देखेंगे कहाँ पे हैं। तो करीब में होंगे तो पैदल चले जाएंगे, नहीं तो फिर ऑटो से जाते हैं और या तो फिर बुला लेंगे तो गाड़ी आएगी, फिर उसके बाद निकलते हैं हम लोग नेक्स्ट टूर पे। और यहाँ पे गेट के पास भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। कैसे निकलना है? इसे निकलना है इधर से निकलना है, तो यहाँ से एग्जिट द्वार यहाँ पे है, इस साइड से हम लोग निकलेंगे। निकासी एग्जिट यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है, और इस रास्ते से हम लोग निकलेंगे। और यहाँ का द्वार जो मेन गेट है, यहाँ से एंट्री करते हैं, टिकट यहाँ पे चेक होता है। तो हम लोग बाहर आ गए, क्या लेना है? कुछ लेना है? पैसा देंगे तब ना। क्या लेना है बताओ? क्या लगा था जी? नहीं जाता दादी, अब मन के नाना इस देश में लाटो लगती। तो दोस्तों हम लोग बाहर आ गए हैं, रोड पे आ गए हैं। तो हम लोगों का ये वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। और प्यारा सा नहीं, बहुत सारा प्यारा, बहुत सारा करना है कमेंट, तो खूब सारा कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगा। और चैनल पे इसी तरह से बने रहें, बहुत बार बार कहेंगे, बहुत लंबी हम लोगों की यात्रा होने वाली है, तो चैनल पे इसी तरह से बने रहें। तो अभी ऑटो से बैठे हैं, यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? नहीं, आप जहाँ तक छोड़ेंगे वो वहाँ कितना? 3 किलोमीटर। तो अभी हम लोग यहाँ से 3 किलोमीटर केवल चल रहे हैं, 10 रुपये भाड़ा यहाँ से, उसके बाद वहाँ से कोई और ऑटो पकड़ते हैं, फिर गाड़ी हम लोगों की सर्विस हो रही है, अभी थोड़ा सा रह गया है, तब तक वहाँ पहुँचेंगे और सर्विस हो जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे कैसे हम लोग जाते हैं। लग रहा है वीडियो। दोस्तों हम लोग लगातार आगरा से चलते आ रहे हैं, आगरा का आप लोग ताजमहल देखे,
और वहाँ से हम लोग आ गए हैं, इस समय राजस्थान में इंटर कर गए हैं। यहाँ एक रेस्टोरेंट है, होटल है, तो यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद विचार अभी तो क्लियर नहीं हुआ है कि हम लोगों को यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे रुकने की व्यवस्था है, तो अभी देखते हैं। खाने के बाद मिलते हैं, यहाँ पे रुकना होगा तो यहाँ रुकेंगे, नहीं तो आगे चल करके कहीं हम लोग रुकेंगे। अभी टाइम हो रहा है 10, तो हमारे हिसाब से रुकना ही उचित ही होगा, रात में गाड़ी चलाना सही नहीं है, तो हो सकता है कि हम लोग रुकें। फिलहाल अभी देखते हैं सबका क्या राय मसौला है। तो यहाँ भोजन आ चुका है, इनका आज व्रत है, क्या खाना है? दूध रोटी। इनका आज व्रत है तो यहाँ पे इनके लिए दूध और रोटी का व्यवस्था किया गया, शाम को रोटी खाती है। सब्जी है, सलाद है, दाल है, और यहाँ पे है राइस, चावल। रोटी कहाँ रह गया? रोटी आ रहा है। और ये हैं सर यहाँ के होटल के, जो हम लोगों को खाना खिला रहे हैं।